लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी। ऑन द एयर लाइव टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को गाली देने के कथित आरोप के मामले में इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा अब बुरी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत शर्मा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने लाइव डिबेट के दौरान रजत शर्मा ने रागिनी को गंदी गाली दी है, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस कर रही है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रागिनी नायक ये बात कहते हुए रो पड़ती है, जो हर किसी को दुखी कर रहा है। आपको बता दें, रजत शर्मा के खिलाफ अब इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। वहीं प्रवक्ता नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुरंत प्रभाव से इंडिया टीवी न्यूज पर अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर रही है। एक तरह से कहें तो रजत शर्मा के चैनल का बॉयकॉट कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। वहीं आपको बता दें, रागिनी नायक ने सेक्शन 294 और 509 IPC के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली के तुगलक रोक थाने में रजत शर्मा के खिलाफ दर्ज करा दिया है, जिसमें 294 सार्वजनिक स्थान पर गाली और किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से अपशब्द कहने के अपराध पर दर्ज होता है। वहीं 509 IPC महिला को अपमानित करने या गाली देने के मामले पर दर्ज होता है। इस पर इन दो धाराओं के मुताबिक रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर FIR दर्ज कराते हुए कहा है, चोरी और सीना चोरी। पहले तो रजत शर्मा जी ने मुझे लाइव डिबेट में अपशब्द कहे, फिर अपनी लीगल टीम से डिफेमेशन की धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की। गांधी मार्ग पर चलने, डरो मत का नारा बुलंद करने वाले गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। सेक्शन 294 और 509 IPC के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली तुगलक रोड थाने में दर्ज करवा दी गई है। काफी संलग्न है। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफमेशन का केस करेंगे, मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। इस FIR की कॉपी शेयर करते हुए दोस्तों रागिनी नायक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें कही हैं, वो रजत शर्मा की मानसिकता को दिखाता है। रजत शर्मा ने पहले गाली देने के मामले में माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि हमने कोई गाली नहीं दी है, हमें डिफेम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रागिनी नायक की तरफ से करी जा रही है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने इसे चोरी और सीना चोरी कहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।